ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रात्रि है और महाशिवरात्रि की आपको और आपकी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके परिवार पर आए हुए संकटों का भगवान भोलेनाथ की कृपा से अंत हो जाए। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत बहुत ही आसान होता है करना, लेकिन बस इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप सभी जानते हो भगवान भोलेनाथ बड़े भोले होते हैं। आपकी थोड़ी सी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मन वांछित फल देते हैं। आइए अब जानते हैं हमें व्रत कब खोलना है, इसके पारण का मुहूर्त क्या है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे आपको व्रत कब खोलना है। व्रत आपका खोला जाएगा 2 मार्च को। ध्यान रखना इस बात को, 2 मार्च से पहले आपका व्रत यदि आप खोलते हैं तो आपका व्रत पूरी तरह अधूरा रहेगा। अब इसके पीछे एक रहस्य हम आपको बताना चाहेंगे। आप 1 मार्च को जो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखना। फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार के साथ आप लोग दूध भी पी सकते हैं, लेकिन अन्न आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना। यदि आप 1 मार्च के दिन अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो आपका व्रत पूरी तरह अधूरा रहेगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा, आपको व्रत का पूरी तरह लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको जो व्रत खोलना है वो पूरी तरह 2 मार्च को खोलना है, यानी कि आपको 2 मार्च को ही अन्न ग्रहण करना है। और 2 मार्च को आपको सुबह 6:45 के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना है, यही पारण लेने का शुभ मुहूर्त है। 6:45 के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपना व्रत पूर्ण करें और अन्न ग्रहण करें। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ कालों के काल हैं, ये इनको महाकाल कहा जाता है। इनके व्रत मात्र से आपके संपूर्ण कष्टों का अंत हो जाता है। व्रत हमेशा पूरे नियम से करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण विधि विधान बता चुके हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि व्रत